I just walked 25 meters straight, then he took a left, then he took a right. हाँ जी यहीं पे है। अरे बहुत बड़ा हो गया है, गैस खत्म होने पे पुराना वाला सिलेंडर हटा के नया वाला फटाफट चढ़ा देता है। हाँ एक सेकंड देता हूँ। पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बात तो कर, कौन है? चंदू अंकल। कौन चंदू? मेरे पुराने दोस्त है, अमेरिका में रहते हैं। हेलो, ऊंचा बोल ऊंचा, अमेरिका कॉल लगाई है। हाँ तो अमेरिका कॉल लगाई है, बगल वाली छत पे खड़े होकर थोड़ी चिल्ला रहा हूँ। चड्डी उड़ गई भैया आपकी, चली जाती आवाज। हेलो, तेज बोल बेटे। नमस्ते अंकल। नहीं अंकल, चिल्ला नहीं रहा, आप कैसे हो? हाँ मैं भी अच्छा हूं। मौसम कैसा है वहां का? हाँ यहां भी गर्मी है। बच्चे ठीक है? अच्छा नहीं है। कोशिश करते रहिए और क्या। हेलो। हाँ जी, अरे आजकल के बच्चे तो मुंहफट है, कुछ भी बोल देते हैं। जी बाद में बात करते हैं। ओके, सोच समझ के बोला कर बेटे। आप किसी से भी बात करा देते हो मेरी, ना जान ना पहचान, मौसम के हाल पूछते रहो। अच्छा ठीक है यार, वो अखबार वाले ने इतनी जोर से अखबार फेंका, वो छत टाप के पीछे वाले घर में चला गया। सुबह से कोई न्यूज पढ़ी नहीं और टाटा स्काई का बिल भरते भरते तू बूढ़ा हो गया। पापा मैं शाम को ही टाइम। अब डिस्टर्ब मत करना, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, प्लीज। आई वॉन्ट इटालियन गर्ल्स इन माई पार्टी, द पार्टी वॉन्ट गुड विदाउट देम, व्हाट डोंट यू गेट इट? नमललानो लमदिगतानो माहुदा। कभी टाइम पे मत आइयो तू, ग्रुप स्टडी के लिए 3 बजे बुलाया था, 4 बज रहे हैं। टाइम से वो पहुंचते हैं जो बहुत वेले होते हैं। मैं बहुत बिजी रहता हूँ आज। तू हाउ आई मेट योर मदर और माय फ्रेंड्स हॉट मॉम देखने के अलावा क्या करता है बे? लड़कियों से फ्लर्ट, पर कोई घास नहीं डालती। शेर कभी घास नहीं खाता, पर कुत्ता अपना गू खा सकता है, और तू वो कुत्ता है जो बड़े फॉक से खाता है। चुपचाप पढ़ ले। व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल? मेघना ने कहा था उसको कल शुरू हुआ है। केमिस्ट्री का सवाल है। नो, केमिकल एलिमेंट्स बता। जिंक, लेड, क्लोरीन, गुड, सोडियम ना, सही, ऑक्सीजन, ओ फक, हाइड्रोजन। बैचो केमिस्ट्री के पीछे तू पढ़ा है, मेरी बहुत वीक है। अच्छा ये सॉल्व कर। राजेश वॉक 25 मीटर्स टू साउथ, देन ही टुक अ लेफ्ट एंड वॉक 35 मीटर्स, देन ही टुक राइट एंड वॉक 40 मीटर्स एंड टुक अ लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर्स। वेयर इज राजेश नाउ? राजेश हैज लॉस्ट और हैज अल्जाइमर। बैचो ऑटो लेना चाहिए उसे, पैदल घूम रहा है। तेरे को मजाक लग रही है? अबे रिलैक्स कर। वन सिंगल पीस ऑफ पेपर कैनॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, बट ऑन द रिजल्ट डे आवर पेरेंट्स कैन इजीली ब्रेक आवर ट्यूटर। मुझे तो डर लग रहा है अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो। ये क्या, बस 60%? अरे मेरे जमाने में मैं 55 लाता था। पापा सिर्फ 5 लोगों के 80+ है, बाकी सबके 60 के आसपास है। तो बाकी लोग कुएं में कूदेंगे, तू भी कूदेगा? ज्यादा गहरा होता है। चुप, 100 में 40% कम, तो 40 दिन का वाईफाई बंद करो इसका। अपने फोन को आग लगा दे। अब से मार्केट जाना बंद, स्कूटी पे घूमना बंद, 15 मिनट से ज्यादा नहाना बंद, 7 बजे के बाद घर में घुसना बंद, बर्गर पिज्जा बंद, पानी पीना बंद, सांस लेना बंद। नहीं, अच्छे नंबर लाने, चल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश कौन पढ़ता है? इसके लिए जो छुट्टी मिलती है लोग उसमें दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस पूरा करते हैं। अबे ओ, ओवरऑल परसेंटेज भी इसी की वजह से कम होती है, तभी तो सारे बेस्ट ऑफ फोर गिनवाते रहते हैं। और बैचो पता नहीं सीबीएसई वाले क्या फूक के पेपर चेक करते हैं, जो ढंग से इंग्लिश बोल नहीं पाते उनके तक 90 आ जाते हैं। वो हमारा सीनियर नहीं था बंकू? हाँ, वो वीडियो की स्पेलिंग VEDIO लिखता था। मैंने पूछा बैचो आपके इंग्लिश में 90 आ गए, आपको विश्वास हो रहा है? कह रहा आई डिड न्यू। मैं समझ गया बैचो स्कैम है। हिस्ट्री पढ़ते हैं। मोहनजोदारो बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन? हरप्पा। हिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग है तेरी, भाई ने सिखाई है मैच। तेरे को हिस्ट्री पता है? माय ग्रैंडफादर लव्ड फुद्दी, फाइमन गो बैक के नारे लगाते टाइम मेरे ग्रैंडफादर फफ्फे आगे खड़े थे। क्या बात कर रहा है? अंग्रेजों की बीवियां उनकी आवाज पे फिदा हो गई। इसकी तभी तो 5-5 ग्रैंड मदर है। मतलब फाइमन वेंट बैक बट हाइमन स्टेड। अरे भूल बेटा, तेरे फोन में रफी साहब के गाने हैं ना, वो इस ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दी बेटा, मैं बैठे बैठे सुन लूंगा, टाइम पास भी हो जाएगा। पापा मेरा फोन ऑफ है, अभी लोग पढ़ने नहीं देते। अच्छा, खुद बेटा तेरे पास है क्या? हाँ अंकल। हाँ, आहा। और पांडे की शादी हो गई। क्या साले, हलवाई की कितनी सुंदर नान जैसी बीवी है। अब वो हलवाई उस नान को भटूरा बनाने में देर नहीं लगाएगा। मैं फुफू करके आया। चल पढ़ लेते हो। Explain the growth of nationalism in Europe in 1830s. Well, Europe is a continent. Oh, the beast
Nobody. Does it better? क्या सुन रहे हो पापा? पता नहीं कोई लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं, कोई नया गाना लगता है। ओहो हो, लड़की ने प्लम्बर को बुलाया है, लगता है नलका खराब हो गया है बेचारी का। समीर को फोन लगा, उसका ब्लूटूथ कनेक्टेड है। फोन ऑफ हो गया बहनचोद, तू अपना ऑन कर। खांस रही है बेचारी, लगता है उसका गला दबा रहा है। अरे कैसा गाना है? गला दबा रहा है। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, के गांडे फट पड़ेंगी। ओहो, अब शुरू होगा गाना। उस लड़की ने कहा लेट्स ट्राई अनिल, अनिल कपूर का गाना होगा। समीर, हे भगवान, अगर पापा उनको अनिल करते हुए सुन लेते तो मेरा उसी वक्त दिना दिन धा हो जाता। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हो सके तो एग्जामिनेशन सेंटर की बिल्डिंग रातों रात गिरवा दो, क्वेश्चन पेपर लीक करवा दो, इनविजिलेटर को दस्त लगवा दो, नहीं तो एग्जाम ही पोस्टपोन करवा दो। पर क्या फायदा, सिलेबस फिर भी पूरा नहीं होना। ग्रुप स्टडी का नाम ऐसे ही खराब है, ग्रुप स्टडी जैसी कोई चीज नहीं है, समझे? चालू करते हैं चैप्टर वन। के चैप्टर वन ना पढ़ाओ, चार्ट है जो बाद में खाया जाता है, इसलिए हम चैप्टर टू पे चले। ठीक है, चैप्टर वन कुछ नहीं, चैप्टर वन हम लास्ट में करें। ठीक है, चैप्टर टू के कुछ भी नहीं, लास्ट में करते। चैप्टर थ्री के क्या बहुत डिफिकल्ट है पागल, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे नहीं करो। क्या है कि ऐसे मजाक नहीं उड़ाते चैप्टर का, साले बर्बाद हो जाओगे, इतना डिफिकल्ट चैप्टर है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि इसे हम बाद में करेंगे। अभी हम करेंगे चैप्टर फाइव, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये था चैप्टर सिक्स से चालू करते चैप्टर। तो भी अपने को कितने चैप्टर करने हैं? चैप्टर सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. क्या? कुछ भी नहीं। मैं क्या बोलता हूँ? पहले हम खा लेते हैं फिर पढ़ते। ठीक है? चलो। खाना खा के हो गया? चलो यार अभी तो पढ़ाई करो यार। अरे कुछ नहीं होगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं होगा। यार हम पढ़ाई कब करेंगे यार? अरे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होगा यार। क्या तू भी? कुछ नहीं है। हम पढ़ाई कब करेंगे? 10 बज चुके हैं। 10 बज गए? अबे 10 बज गए? इसे यूटिलाइज करने पड़ेंगे। इसका मतलब हम अभी बाहर जाएंगे खाना खाने। एक सेकंड, हम पढ़ाई कभी करेंगे? अबे तो अब तक मैं क्या हिब्रू में बोल रहा हूँ यहाँ पे? भाई एक भी आंसर नहीं आ रहा यार, आज हम तीनों कंफर्म फेल है। सर सप्लीमेंट। ये देखो सर, टाइम पास की दुकान। आप मेरे को बताओ, ग्रुप स्टडी में कभी पढ़ाई होती है? कभी पढ़ाई की? साला दिमाग भी खाली, पेपर भी खाली। इसलिए सर मैं एक महीना पहले ही पढ़ के रखता हूँ। पता है लास्ट मोमेंट में पढ़ाई होगी नहीं, टाइम पास होगा, ये वो होगा। सर क्या है ना, हम लोग पहले से प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। ग्रुप स्टडी करेंगे सर, ये लोग क्या पागल लोग है, ग्रुप स्टडी। एंड एग्जाम स्टार्ट्स नाउ। सर ही कॉपी कर रहे हैं सर, दिखा साले तू। सर सर वो बुक में से कॉपी कर रहे हैं सर, वो डाइजेस्ट में से कॉपी कर रहे हैं सर। कॉपी कर रहा था।
अरे नेट नहीं चल रहा है। अरे यार साला रोल नंबर लिखने में इतना टाइम। अबे कर क्या रहा है ये? तू तो बेटा पक्का फेल है। आज पेंसिल घस रहा है, कल बर्तन घसेगा। आज तेरा भी जूस निकलेगा रे। सप्लीमेंट ले ले अपने जिंदगी का आखिरी सप्लीमेंट। अबे चुस्की है, कुछ तो लिख, आखिरी 10 मिनट बचे एग्जाम के। सर सप्लीमेंट। पेपर हो गया। तीस मार्क का छूट गया। मैं तो भाई 1030 मार्क का अटेम्प्ट करके आया हूँ। फीफा के चक्कर में कुछ नहीं पड़ा, अब क्या होगा हमारा? आपने सुना है इस बार का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आने वाला है। अरे सारे जुल्म हम गरीब बच्चों के साथ ही क्यों होते हैं? कौन करेगा हम गरीबों की मदद? क्या है कोई शूरवीर? है कोई जाबाज? मुन्ना भाई MBBS को एग्जाम्स में हेडफोन लेके जाने की एडवाइस देने वाला। कच्छों में चिट छुपाकर बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने वाला। 11th स्टैंडर्ड में 10 बार फेल होने वाले शूरवीर ड्रॉप आउट के पुत्र जितेंद्र बाहुबली। छोटे चिट्स तो मैंने मुफ्त में बांट लिए, बड़े चिट्स की बोली लगेगी अभी। बहुत जिंदगियां बर्बाद की है इसने, और ये चिट है इंटीग्रेशन की। किसको चाहिए इंटीग्रेशन की चिट? आराम से, ये चिट को आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि इस चिट के लिए आपको देना होगा मुझे पूजा का नंबर। किसके पास है पूजा का नंबर? किसके पास है? पूजा कौन सी पूजा? नहीं चाहिए बैठ। पूजा वर्मा यार नहीं चाहिए बैठ। पूजा भानुशाली। पूजा भानुशाली।
कौन सा नंबर है? जियो जियो नंबर है, जियो वाला बंदा बैठ तू। अरे मेरे पास वोडाफोन है, वोडाफोन का नंबर है मेरे पास। इंडिकेशन की चिट तेरी ले। मेरे को मिल गई, मिल गई। हट बे साले, मेरे को मिली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी की सारी चिट्स बट चुकी है, पैसे हड़प लिए गए हैं, बंगले ले लिए गए हैं, लेकिन एक आखिरी चिट बची है। ये चिट मेरे दिल के करीब है। जादू रॉयल बॉन्ड पेपर क्वालिटी प्लैटिनम सीजर से कट हैंडमेड दुनिया में सिर्फ ऐसी दो चिट से, और ये चिट है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की। अरे आज का सर एकदम लीनियंट है, मस्त कॉपी करूं मैं। रे टाइम स्टार्ट्स नाउ। मॉलिक्यूलर है, देख तो। एस 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 एस, अबे एस तो है ही नहीं, एस क्या है? एस फॉर सरप्राइज। मयूर तेरे पास रबड़ रहेगा, स्केल भी चलेगा। वैसे कभी तो अपने पेपर में भी देख ले हराम खोर, दूसरे की बीवी और दूसरे का पेपर नहीं देखते। अभी अगर उधर देखा है तेरी शक्ल इधर ही कर दूंगा, समझा? बहुत कॉपी हो गई, सबके सब एक ही रो में बैठेंगे।